अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई मसाला बना लेंगे। अक्खा धनिया ले लेंगे 2 चम्मच, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच काली मिर्च। इसको जरा सा भूनेंगे। कुछ सेकंड के लिए मैंने इसको भून लिया है। इसी को भी भून लेंगे थोड़ा सा। अब इसका पाउडर बना लेंगे। कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। एक चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और 1/2 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक हल्का सा फ्राई करेंगे। दो प्याज डाल देंगे बारीक कटी हुई। प्याज को भी डालकर फ्राई करेंगे। ब्राउन हो गई है, अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भूनेंगे अच्छे से। फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, इसको डाल के भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर, 2 भी डालकर भूनेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला अच्छे से भून गया है। अब इसमें डालेंगे कढ़ाई मसाला, थोड़ा सा बचा लेंगे पनीर फ्राई करने के टाइम पे डालने के लिए। अब हम पनीर को फ्राई करेंगे। 300 ग्राम पनीर ले लिया है मैंने, 300 ग्राम शिमला मिर्च और 1 प्याज, इसको फ्राई करेंगे। 1 चम्मच तेल डालेंगे, 1 चम्मच बटर डालेंगे, देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा मिर्ची पाउडर, और ये कढ़ाई मसाला। आधा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक पहले ही डालना था मगर मैं भूल गई, इसलिए अभी डाल रही हूँ।
उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। डाल देंगे हरा धनिया, दो मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें डाल देंगे अपना फ्राई किया हुआ पनीर और शिमला मिर्च, इसको डालकर मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसमें जाएगा अभी क्रीम, दो चम्मच डालेंगे। एक चम्मच कसूरी मेथी, बस गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे।